हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बजाज फिनसर्व के बारे में। ये स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है, तो काफी समय से अच्छे स्टॉक का पोर्टफोलियो में बनाना चाह रहा था, उसके अंदर मैं अच्छे अच्छे स्टॉक को लेना चाह रहा था। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैंने स्टार्ट किया है और काफी अच्छे स्टॉक का एक अलग ही पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग ज्यादा नहीं करना चाहूंगा। जो ट्रेडिंग होता है उसमें प्रॉफिट ले लेके फिर वो अलग ट्रेडिंग ही करते रहता हूँ, नए नए स्टॉक लेता था, लेकिन यहाँ पर मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखने वाला हूँ। यानी ये स्टॉक को जल्दी बेचना नहीं है, जब तक इसमें कोई खराब चीजें नहीं होती, बुरी चीजें नहीं होती है, तब तक ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, तो वैसे एक स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो उसके अंदर ये अभी बजाज फिनसर्व भी शामिल हो गया है, और जो भी नए स्टॉक है जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ उसके बारे में वीडियोस डाले हुए हैं, मैंने वेबसाइट पे भी बताए हैं, और साथ में ये चीजें मैंने अपने चैनल पे डाली रहा हूँ। ठीक है, तो जो ऑल टाइम लॉन्ग के लिए रहने वाला है, जिनको मैं कभी जल्दी बेचने वाला नहीं, तो उनके पीछे काफी रीजन है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये स्टॉक क्यों अच्छा है और इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट और क्यों कर रहा हूं, और बाकी फंडामेंटली स्टॉक ऐसा, ये भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे इसका वेबसाइट, तो वेबसाइट पे मैं आपको यहां पर विजिट करा देता हूं। देखो, यहां पर आपको नजर आएगा ये कंपनी फाइनेंस में है, फाइनेंस रिलेटेड ये इसका काम है, बिजनेस है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये पर्सनल और यहां पर डॉक्टर के लिए जो एक्सपेंसेस रहेंगे बिजनेस के लिए, ये सारे लोन्स यहाँ पर या होम के लिए ये सब ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो और यहाँ पर मतलब ये लोन में है ज्यादातर, और यहाँ पर इनके बिल और ये पेमेंट के लिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें अगर खरीदना है तो वहां पर आपको बजाज के कार्ड्स आपको पता होंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर EMI पे देना, ठीक है, कार चाहिए तो इंश्योरेंस कराना है, तो ये सारी चीजों के लिए बजाज फिनसर्व ये काम करता है। या ये देखो, बहुत सारी चीजें EMI पे खरीदनी है तो यहाँ पर प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स पे भी बजाज का जो कार्ड होता है या बजाज फिनसर्व के जो भी वेबसाइट है वहां से भी आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर फोन पे, लोन पे फोन लेते हैं तो वो भी शॉप्स पे अवेलेबल होते हैं, तो बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व वहां पर ये करते हैं, और बजाज फाइनेंस के अंडर में ही आती है, बजाज ग्रुप के अंडर में ही है ये कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये सब देख लिया, ये कंपनी का मेन बिजनेस है और ये काफी बड़ी कंपनी है फिलहाल तो, और ये निफ्टी 50 के अंदर आती है, और ये इसका ग्रोथ हम देखेंगे किस तरीके से ग्रो हुई है, तो काफी बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ इसका ग्रोथ कैसा है फंडामेंटली और बाकी इसका चार्ट वाइज। तो चार्ट वाइज में अगर देखेंगे तो फिलहाल एक दिन में गिरा है, पांच दिन में भी गिरा है, एक महीने के अंदर भी 10% गिरा है, और एक छह महीने के अंदर ये 3-4% बढ़ा है, और यहाँ पर YTD की बात करेंगे 6% गिरा है, यानी जनवरी से अभी तक ये गिरा हुआ है, और अगर एक साल की बात करेंगे तो एक साल में भी यहाँ पर गिरावट हमको नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिरावट, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इतनी बड़ी गिरावट अगर है तो यहाँ पर ये एक रीजन होता है, तो ये जो गिरावट है यहाँ पर ये एक रीजन हो सकता है कि यहाँ पर ये स्प्लिट अगर हुआ है तो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये जो सडनली ये होती है गिरावट, तो मोस्ट ऑफ ये स्प्लिट की वजह से होती है, तो अगर यहाँ पर अगर कोई न्यूज है तो यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो उस वजह से ये आपको गिरावट आपको देखने मिलेगी। ठीक है, और ऐसी सडनली गिरावट नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखो 5 साल के रिटर्न यहाँ पर कम बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है, तो यहाँ पर चार्ट वाइज आपको ये चीजें कंफ्यूज करती रहेगी, तो मैं दूसरी जगह से आपको ये चीजें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ले आता हूँ यहाँ पर ये स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे हम पूरी डिटेल में देखेंगे कि तभी प्राइस क्या था और एग्जैक्ट क्या इसका ग्रोथ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये 2,32,000 करोड़ की कंपनी है, और यहाँ पर अभी फिलहाल तो प्राइस चल रहा है 1,400 का, और यहाँ पर 1,200 तक लो जा चुका है, और यहाँ पर डिविडेंड काफी कम देती है कंपनी, इसका फेस वैल्यू 1 का है, ROC ROE भी काफी अच्छा है, 10 के ऊपर है, तो थोड़ा अच्छा ही माना जाता है। स्टॉक का PE भी अभी भी अट्रैक्टिव है, बुक वैल्यू अच्छा है। यहाँ पर देखते हैं चार्ट में, और यहाँ पर चार्ट में दिखा देता हूँ एक साल में यहाँ पर आपको गिरावट आपको नजर आएगी, तो और यहाँ पर 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी देख सकते हो, तो ये
यहाँ पर 1800 से ही थोड़ा सा डाउन आया था, 5 साल में भी देख सकते हो तो 5 साल में काफी ऊपर गया था। लेकिन ये देखो तो ज्यादा यहाँ पर आपको जो गूगल पे जो चार्ट नजर आ रहा है तो वहां से वहां पर इतनी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये चीज स्प्लिट के बाद ही होता है सडनली प्राइस गिरना। नहीं तो देखो ये स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एक टाइम पे 72 रुपए का था, 57 रुपए का भी था, तो वहां से स्टॉक देखो अभी काफी महंगा भी हो गया है। और एक टाइम पे देखो काफी मतलब ये 2008 से आई हुई कंपनी है, तो 2008 से लिस्टेड है, 10-12 रुपए का भी एक टाइम पे था ये स्टॉक। देखो स्टार्टिंग में जब था तब बड़ा था, 63 तक था, फिर उसके बाद ये गिरा भी है, 9 रुपए तक भी आया था, फिर उसके बाद ये जो बढ़ा है उसके बाद इसने अच्छे खासे रिटर्न इन्वेस्टर को दिए हैं, ठीक है। तो मैक्स में तो अच्छा ही रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने। और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो स्टॉक का CAGR और बाकी सारी चीजें तो अच्छी नजर है, पॉजिटिव चीजें 2 है, नेगेटिव 2 है। और यहाँ पर बजाज फाइनेंस नंबर 1 पे है ये इसमें, और यही इसी के ग्रुप की कंपनी है, और बजाज फिनसर्व 2nd पे। तो दोनों कंपनियां बजाज ग्रुप की है और दोनों 1st और 2nd पे है, क्योंकि 1st पे ये 4 लाख करोड़ की है और ये 4 लाख 32 की है, ठीक है, 2 लाख 32 की है, ठीक है। और बाकी जो है इससे काफी दूर दूर तक काफी दूर है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो 14,190 करोड़ का कंपनी 2020 में जून 2020 में सेल्स किया था, अभी देखो 23,000, यानी काफी अच्छा ग्रोथ इसने 2-3 साल के अंदर सेल्स में ग्रोथ देखने मिला है, और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। 1,900 से डायरेक्ट अभी 3,700 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस में 2012 से अभी 2023 तक अगर देखेंगे तो देखो 2,700 का कंपनी ने सेल्स किया था, और अभी यहाँ पर मार्च 2023 तक 82,000 करोड़ का कंपनी ने सेल किया है। तो सेल्स देखो कितने लगातार जबरदस्त बढ़े हैं, ठीक है। तो 2700 करोड़ का कर रही थी, अभी देखो 82 करोड़, अभी 89, यानी 1 लाख करोड़ तक का कंपनी सेल करेगी, यानी काफी जबरदस्त है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी 1800 करोड़ या 1900 करोड़ से लेके अभी 12,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंचा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की काफी स्ट्रांग है। ये स्टॉक के अंदर अगर आप 10 साल से इन्वेस्टेड रहते हो तो सालाना एवरेज अगर पकड़ना है तो 38% साल के रिटर्न आपको आराम से मिल जाते हैं। तो इतना जबरदस्त रिटर्न ये 10 साल से तो देती आई है, यानी 38% देखो सबसे अभी तक जितने भी स्टॉक मैं बता रहा हूँ उसमें तो ये थोड़ा अच्छा ही है और स्ट्रांग और अच्छे रिटर्न देने वाला ही स्टॉक है। तो और लेकिन 5 साल से इन्वेस्टेड रहते तो 16% साल के रिटर्न मिलते हैं, और 3 साल से देखो 32% सालाना रिटर्न दे रहा है, जस्ट ये 1 साल में 10% गिरा है। तो देखो उतार चढ़ाव चल रहता है लेकिन एवरेज निकाला जाता है। अभी ये 10% ये साल गिरा है तो अगले साल शायद 20 या 30% के रिटर्न दिखाएगा या 40%, तो इस तरीके से एवरेज रिटर्न निकाला जाता है पूरे 10-20 साल का, ठीक है। तो कब कोई साल गिरता है, कोई साल अच्छे डबल ट्रिपल हो जाता है, तो इसी तरीके से एवरेज निकाला जाता है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो ये रिजर्व में यहां पर आपको नजर आएगा बैलेंस शीट में, ये देखो 46,000 करोड़ तक का बैलेंस कंपनी के पास है बैलेंस में, और बोरोविंग ज्यादा है ये कंपनी पर। लोन देखो NBFC होती है, कोई भी फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी होती है उस पर लोन होता ही है, तो कंपनी पर लोन तो है और वो लोन लेती है तभी आगे लोन देती है, ठीक है। तो और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो प्रमोटर के पास अभी भी 60% है, यानी प्रमोटर के पास काफी अच्छी होल्डिंग है ये स्टॉक की, ये शेयर्स की। उसके बाद यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर और इंडिया के जो भी इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर इनके पास भी 7-7% के आसपास उनके पास भी होल्डिंग है, और पब्लिक के पास भी देखो 24-25% की होल्डिंग है। तो काफी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ हमको नजर आ रहा है, या शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नजर आ रहा है ये स्टॉक का। तो मुझे तो फंडामेंटली और सभी चीजों में ये स्टॉक तो अच्छा लग रहा था, और प्राइस भी इतना महंगा नहीं है ये स्टॉक, स्प्लिट के बाद ये सस्ता हो गया है, तो फिलहाल इसीलिए मैंने ये स्टॉक को लिया है। यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके का ये, इसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल यहाँ पर है, तो आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो। और मेरा जो भी है यहाँ पर मैंने अपना रिव्यू दे दिया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।